गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे शेर पहले दरवेश की। आज अपन क्या पढ़ेंगे? शेर पहले दरवेश की। तो देखिए, शेर पहले दरवेश की में ये कहानी बताई गई है। तो देखिए, पहले जो दरवेश हैं वो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि मेरी पैदाइश और वतन बुजुर्गों का मुल्क यमन है। वालिद इस आजिज का मुल्क तिजार ख्वाजा अहमद नाम बड़ा सौदागर था। उस वक्त में कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर न था, यानी कि इनके जो वालिद थे बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके बराबर का कोई व्यापारी इनके सामने नहीं था। अक्सर शहरों में कोठियां और गुमाश्ते खरीद फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे। लाखों रुपए नकद और जिंस मुल्क मुल्क की घर में मौजूद थी। उनके यहाँ दो लड़के पैदा हुए। क्या बताया गया है? उनके यहाँ दो लड़के पैदा हुए। एक तो यही फकीर जो कफनी मेली पहने हुए मुर्शिदों की हुजूरी में हाजिर और बोलता है, दूसरी एक बहन जिसके क़िबला गह ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी। वो अपनी ससुराल में रहती थी। गरज जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना है। देखिए, इस कदर दौलत थी, एक बहन थी, बहन की तो शादी हो गई थी और फिर ये अकेले रह गए थे। तो देखिए, जिसके घर में इतनी दौलत हो, उसके घर में एक ही बच्चा हो, तो उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना। मुझ फकीर ने बड़े चाव चौ से माँ बाप के साए में परवरिश पाई और पढ़ना लिखना सिपाहगिरी का कस्बे फन सौदागिरी का यही खाता रोज नामचा सीखने लगा। 14 बरस तक निहायत खुशी और बेफिक्री में गुजरे। कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में ना आया। यक बयक यानी कि अचानक, यक बयक एक ही साल में, क्या कह रहे हैं, यक बयक एक ही साल में वालिदैन क़ज़ाए इलाही से मर गए, यानी कि एक ही साल में इनके वालिद वालिदा का इंतकाल हो गया। अब देखिए, अजब तरह का गम हुआ जिसका बयान नहीं कर सकता। एक बार की यतीम हो गया, कोई सर पर बूढ़ा बड़ा न रहा। देखिए, कोई सर पर बूढ़ा बड़ा न रहा, दुनिया कोई सर पर बड़ा बूढ़ा न रहा। इस मुसीबत नागहानी से रात दिन रोया करता। खाना पीना सब छूट गया। 40 दिन जूं तूं करके कटे। अब देखिए, 40 दिन कटे। चहलुम में अपने बेगाने छोटे बड़े जमा हुए, यानी कि चहलुम, चहलुम का मतलब है 40वें की फातिया हुई और उसके अंदर छोटे बड़े लोग सभी जमा हुए। जब फातिया से फरागत हुई, सबने फकीर को बाप की पगड़ी बंधवाई और समझाया। देखिए, बाप की पगड़ी बंधवाई और समझाया, दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं और अपने तई, यानी कि हमें भी, अपने तई भी एक रोज़ मरना है और हमें भी एक रोज़ मरना है। बस सब्र करो और अपने घर को देखो, अब बाप की जगह तुम सरदार हुए। क्या समझाया इनके रिश्तेदारों ने? देखिए, सभी लोग मरते आए हैं और एक दिन अपन को भी मरना है। अब तुम्हें जो करना है वो ये है कि तुम बाप की जगह सरदार हुए और अपने बाप का जो कारोबार था अब वो तुम संभालो। अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो, तसल्ली देकर वो रुख्सत हो गए। देखिए, सारे रिश्तेदार 40वें की फातिया के बाद इनको तसल्ली देकर सब रुख्सत हो गए। गुमाश्ते कारोबारी नौकर चाकर जितने थे आन कर हाजिर हुए, नजरे दी और बोले, कोठे नकद जिन्स की अपने नजरे मुबारक से देख लीजिए। देखिए, इनके जितने भी नौकर चाकर थे सब आकर इनके आसपास जमा हो गए और उन्होंने कहा कि जो आपके वालिद की जो दौलत है उसके ऊपर एक बार आप नज़र डाल लीजिए, आपके घर के ऊपर आप नज़र डाल लीजिए। एक बार की जो उस दौलत बे इंतहा पर
अब देखिए, जैसे ही इन्होंने अपने बाप की दौलत को देखा तो इनकी आंखें, तो देखिए पड़ी तो आंखें खुल गई। तो देखिए, जैसे ही इन्होंने इनकी बाप की जो इकट्ठी की हुई दौलत थी उसको देखा तो इनकी आंखें कैसी हो गई, खुल गई। दीवान खाने की तैयारियों का हुक्म किया। अब देखिए, ये काय में लग जाते हैं, दीवान खाने की तैयारियों का हुक्म किया। और देखिए, हुक्म फराशों ने फर्श फरोश बिछाकर छत पर्दे शिनवाने तकल्लुफ की लगा दी। अच्छे अच्छे खिदमतगार दीदार नौकर रखे, सरकार से जर्क बर्क पोशाके बनवा दी। फकीर मसंद पर तकिया लगा कर बैठा, वैसे ही आदमी गुंडे। अब देखिए, ये क्या हो गए कि ना जी, बहुत सारी जो फालतू की चीज़ें थी इन्होंने अपने बाप की दौलत काय में लुटाना शुरू कर दी, फालतू के कामों में लुटाना शुरू कर दी। और जो फालतू लोग थे वैसे ही, जो फालतू लोग थे वैसे ही आदमी, यानी कि फालतू लोग वैसे ही आदमी गुंडे पाकड़े मुफ्त पर खाने वाले खाने पीने वाले झूठे खुशामदी आकर आशना हुए, यानी कि झूठी खुशामद करने वाले इनके पास में आकर इकट्ठे हो गए और इनके आशना हो गए और मसाहिब बने और इनके मसाहिब बन बैठे। उनसे 8 पहर सोबत रहने लगी, यानी कि पूरे दिन रात कौन इनके पास में रहते, फालतू लोग इनके पास जमा रहने लगे। हर कहीं की आलतू फालतू बातें, जटले वाही तबाही इधर उधर की करते और कहते। इस जवानी के आलम में केतकी की शराब या गुल गुलाब खिंचवाए नाजनी माशूकों को बुलवा कर उनके साथ पीजिए और ऐश कीजिए। यानी कि ये फालतू चीज़ों का किनको शौक लगाने लगे, इनको शौक लगाने लगे किसको, पहले दरवेश को। गरज आदमी का शैतान आदमी है। देखिए क्या बताया गया है कि गरज आदमी का शैतान आदमी है। हर दम कहने सुनने से अपना भी मिजाज बहक गया। देखिए, वो लगातार कहते रहे तुम्हें तो केतकी की शराब पीना चाहिए, तुम्हें तो गुलाब की शराब पीना चाहिए, और है ना नाज़नीन माशूकाओं को बुलवाओ और उनके नाच देखो और ये करो वो करो। तो देखिए, आदमी बहकाए में आ ही जाता है। तो देखिए, इनका मिजाज भी बहक गया और शराब नाच नाच और देखिए क्या होने लगा इनके घर में, अब शराब और नाच जुए का चर्चा शुरू हुआ। देखिए, सारे काम इनके घर में होने लगे, शराब नाच जुए का चर्चा हुआ। फिर तो ये नौबत पहुंची कि सौदागरी भूल कर तमाश बनी का और देने लेने का सौदा हुआ। तो देखिए, तमाशबीनी का और देने लेने का सौदा हुआ। अब देखिए, अपने नौकर और रफीकों ने जब ये गफलत देखी, तो देखिए जब लोगों ने देखा ये तो हमेशा शराब पीते रहते हैं और फालतू खर्च करते रहते हैं और जुआ खेलते रहते हैं, तो जो इनके नौकरों ने इनकी यह हालत देखी और जो इनके दोस्तों ने इन्हों की यह हालत देखी कि ये तो ऐसे काम करते रहते हैं, तो उन्होंने क्या करा, अब नौकर और रफीकों ने जब ये गफलत देखी, यानी कि ये दौलत की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, फालतू दौलत खर्च कर किए जा रहे हैं, जो जिसके हाथ पड़ा अलग किया, क्या कह रहे हैं, जो जिसके हाथ पड़ा अलग किया, गोया लूट मचा दी। और क्या करा कि सारी दौलत को लूट लाट कर इनके जो दोस्त वगैरह थे, जो फालतू लोग थे, वो इनकी सारी दौलत लूट के ले गए। कुछ खबर ना थी, क्या कह रहे हैं, कुछ खबर ना थी रुपया खर्च होता कि कितना रुपया खर्च होता है। तो देखिए, इनको तो खुद को ही खबर नहीं होती थी कि आज दिन भर में मेरा कितना रुपया खर्च होता है, कहाँ से आता है और किधर जाता है। माले मुफ्त और दिले बेरहम, यानी कि जो इनका माल था वो ऐसे लुटने लगा जैसे कोई माले मुफ्त का माल हो, यानी कि बेरहमी के साथ इनका माल खर्च होने लगा।
इस दरखर्ची के देखिए इस दरखर्ची के आगे अगर गंजे कारून का होता, क्या कहा गया है कि अगर गंज कारून का होता तो भी वफा न करता। कई बरस के अरसे में, जो कह रहे हैं कई बरस के अरसे में एक बार की यह हालत हो गई, यह हालत हुई कि फकत टोपी, क्या कह रहे हैं एक बार की इनकी क्या हालत हो गई कि इनके पास फिर क्या रह गया, फकत टोपी और लंगोटी बाकी रही। देखिए जो इतने अमीर थे जिसकी दौलत का कोई ठिकाना नहीं था, उनके साथ क्या हुआ कि सिर्फ उनके पास एक लंगोटी और एक टोपी बाकी रह गई। दोस्त आशना जो दांत काटी रोटी खाते थे, यानी कि जो इनके दोस्त थे, जो इनके ऊपर दिलो जान से फिदा थे, जो दांत काटी रोटी खाते थे और चमचा भर खून अपना हर बात में निसार करते थे, और चमचा भर खून अपना हर बात में क्या करते थे, निसार करते थे, काफूर हो गए, यानी कि दूर हो गए, बल्कि राह बाट में अगर कहीं भेंट मुलाकात हो जाती तो आंखें चुरा कर मुंह फेर लेते और नौकर नौकर जो थे, नौकर चाकर खिदमतगार भले ढेलत ढेलत क्या कह रहे हैं, खास बरदार साबित खानी सब छोड़कर किनारा लगे, कोई बात का पूछने वाला न रहा, कोई बात का पूछने वाला न रहा, जो कहे ये कहाँ ये क्या तुम्हारा हाल हुआ है, सिवाय गम और अफसोस के कोई रफीक ना ठहरा। और इस सिवा इनके पास का रहा, सिवाय गम और अफसोस इनके पास बाकी रहा। देखिए अब दमड़ी की ठंडियां में असर नहीं, जो चबाकर पानी पीऊं, अब इनके पास सूखी रोटियां भी मैसर नहीं थी जिसको चबाकर ये क्या कर लेते, पानी पी लेते। दो तीन फाके कड़ाके के खींचे ता भूख की ना रही ना ला सका, और देखी इनसे भूख बर्दाश्त ना हो सकी। लाचार बेहयाई का बुरका मुंह पर डालकर ये कष्ट किया, यानी कि ये इरादा किया बहन के पास चलें, लेकिन ये शर्म दिल में आई थी कि क्या कह रहे हैं, लेकिन इनके दिल में ये शर्म आई थी कि क़िबलागाह की वफ़ात के बाद ना बहन से कुछ सलूक किया, ना खाली खत लिखा, बल्कि उसने दो एक खत खतूत मातम पुरसी और इश्तियाक के जो लिखे उनका भी जवाब इस ख्वाब खरगोश में ना भेजा। उस शर्मिंदगी से जी तो ना चाहता था, क्या कह रहे हैं, उनको याद आया कि मैंने तो बहन की खैरियत तक नहीं पूछी वालिदैन के मरने के बाद, दिल में सोचा, लेकिन फिर सोचा कि अपन चले तो सही, फिर सिवाय उसके घर के और कोई ठिकाना नजर न ठहरा। जूं तू पा प्यादा, यानि कि पैदल पा प्यादा खाली हाथ गिरता पड़ता, हजार मेहनत से वो कई मंजिलें काट कर हमशीर, हमशीर का मतलब होता है बहन के घर में जाकर उसके मकान पर पहुंचा। तो देखिए उनके मकान पर पहुंच जाते हैं, वो मजाई मेरा ये हाल देखकर बलाएं ली और गले मिलकर बहुत रोई, तेल माश और काले टीके मुझे मुझ पर से सदक़े किए, कहने लगी अगरचे मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन भैया तेरी ये सूरत बनी इस उसका जवाब मैं कुछ न दे सका। आंखों में आंसू डब डबा कर चुपका हो रहा। बहन ने जल्दी खासी पोशाक सिलवा कर, यानी कि अच्छी पोशाक सिलवा कर हमाम में भेजा। नहा धोकर वो कपड़े पहने एक मकान अपने पास बहुत अच्छा तकिया
तकल्लुफ का मेरे रहने को मुकर्रर किया। सुबह को शरबत और लौजियात, हलवे, सोहन, पिस्ता, मगजी, नाश्ते को और तीसरे पहर मेवे, खुश्क तर, फल, फुलारी, और रात दिन दोनों वक्त पुलाव, नान, कलिए, कबाब, तोहफा, मज़े और दार मंगवा कर अपने रूबरू खिला कर जाती। क्या करती थी? इनकी बहन बहुत ज़्यादा इनकी खातिरदारी करती और सारी चीज़ें इनके सामने अपने सामने मंगवाती और इनको खिलाकर जाती। अब देखिए, सब तरह खातिरदारी करती मैंने वैसी तस्दी के बाद जो ये आराम पाया, खुदा की दरगाह में हजार हजार शुक्र बजा लाया। कई महीने इस फरागत से गुजरे के पांव उस खलवत से बाहर ना रखा। एक दिन वो बहन जो बजाए वालिदा के मेरे खातिर रखती थी, कहने लगी, ए बीरन, तू मेरी आँखों की पुतली और माँ बाप की मुई मिट्टी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ जब तुझे देखती हूँ, बाग बाग होती हूँ। तूने मुझे निहाल किया, लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है। घर में बैठे रहना उनको लाजिम नहीं। जो मर्द निखट्टू होकर घर सीता है, उसको दुनिया के लोग ताना मिहना देते हैं, खसूसन उस शहर के आदमी। छोटे बड़े बेसबब तुम्हारे रहने पर कहेंगे अपने बाप की दौलत दुनिया खो खा कर बहनोई के टुकड़ों पर आ पड़ा। ये निहायत बेगैरती और मेरी तुम्हारी हसाई और माँ बाप की नाम को सबब लाज लगने का है। नहीं तो मैं अपने चमड़ी की जूतियाँ बनाकर तुझे पहनाऊँ और कलेजे में डाल रखूँ। अब ये सलाह है कि सफ़र का कस्द करो, खुदा चाहे तो दिन फिरे और इस हैरानी और मुफलिसी के बदले खातिरे जमी और खुशी हासिल हो। ये बात सुनकर मुझे भी गैरत आई, उसकी नसीहत पसंद की, जवाब दिया, अच्छा अब तुम माँ की जगह हो। क्या कहा मैं बहन से कि अच्छा तुम अब क्या हो, माँ की जगह हो, जो कहो सो करूँ। क्या कहता है, जो कहोगी सो मैं करूँगा, क्योंकि तुम्हें मेरी माँ की जगह हो। ये मेरी मर्जी पाकर घर में जाकर 50 तोड़े अशर्फी के असील लोंडियों के हाथ में लवा कर मेरे आगे ला रखे और बोली, ए काफला सौदागरों का मश्क को जाता है, तुम इन रुपयों क्या कहते हैं तुम इन रुपयों की तिजारत की खरीद करो। एक ताजिर ईमानदार के हवाले लेकर वो दस्त आवेश पकी लिखवा लो और आप भी कस्दो मश्क का करो। वहाँ जब खैरियत से जा पहुँचो, अपना माल मैं मुनाफे समझ बूझ लीजियो या आप बेचियो। मैं वो नकद लेकर क्या कह रहे हैं जो इनकी बहन ने पैसे दिए और कहा कि इससे तुम कोई व्यापार कर लेना और जो भी हो उससे मुनाफा करना और खुद भी बेचना। तो देखिए, बाजार में गया, तो देखिए बाजार में गया, असबाब सौदागरी का खरीद कर एक बड़े सौदागर के सुपुर्द किया। नौश तो ख्वाइंद से खातिरें जमा की कर ली। देखिए, खातिरें जमा कर ली। वो ताजिर दरिया की राह से जहाज पर सवार होकर रवाना हुआ। फकीर ने खुशकी की राह से चलने की तैयारी
कि जब रुखसत होने लगा, बहन ने एक सिरे पाओ भारी और एक घोड़ा उजड़ाओ साजे से तवाजे किया। मिठाई पकवान एक कासदान में भरकर हिरने से लटका दिया और छागल पानी की शिकार बंद में बंधवा दी। इमाम जामन का रुपया मेरे बाजू पर बांधा, बांधा। दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पीकर बोली, सिधारो तुम्हें खुदा को सौंपा। पीठ दिखाए जाते हो इसी तरह, जल्द अपना मुंह दिखाइयो। मैंने फातिहा खैर की पढ़कर कहा, तुम्हारा भी खुदा अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे हैं, इन्होंने भी बहन से क्या किया, अल्लाह हाफिज किया। मैंने कबूल किया, वहां से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और खुदा के तवक्कल पर भरोसा करके एक मंजिल करता हुआ दमिश्क के पास पहुंचा। और देखिए, ये था इनका पहले दरवेश की शेर, जिसके अंदर पहले दरवेश ने यह पूरा किस्सा अपने लिए सुनाया है कि वो क्या थे और किस तरीके से उनको क्या एक अच्छे व्यापारी की फर्जंद होते हुए भी, बेटे होते हुए भी उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो ये देखिए, अपन का सबक कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, 12th क्लास, इस सबक को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद इसके सवाल जवाब देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसी कहानियां भी पूछ ली जाती हैं जो आपको खुद को लिखना है। ये कहानी है, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए।